हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर शिखा एंड इंग्लिश 5 के चैप्टर 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं बेबी एलिफेंट का चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टूडेज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेविंग द बेबी एलिफेंट। यानी कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक बेबी एलिफेंट को सेव करने की स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन देखते हैं कि आज इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मिली है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर यू वुड लाइक टू चूज एंड से व्हाई हैव यू चूजन इट। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स मिली है, अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और जो चीजें या जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है आप चूज करेंगे, उनके अराउंड आपको एक सर्कल बनाना है। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, सेक्शन में चलते हैं अपना। सो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये है एक बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू कराने की, मतलब एक बेबी एलिफेंट को एक मैन पकड़ लेता है और उसको अपने कंपाउंड में बंद कर देता है। और बेसिकली जो स्टोरी है वो एक विलेज बैकग्राउंड में सेट है। तो मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसकी स्टोरी समझाऊंगी और आप वर्ड बाय वर्ड इसको मैच करते हुए चलिए। स्टोरी शुरू होती है, नलिया जो है आदमी, उसने अपने घर में एक बेबी एलिफेंट को पकड़ लिया और उसकी जो मदर है, यानी कि जो मदर एलिफेंट है, वो उसको ढूंढ रही है और रो रही है और ट्रम्पेट कर रही है। एलिफेंट की साउंड क्या होती है, जो एलिफेंट निकालता है उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। तो बहुत ज्यादा ट्रम्पेट की आवाज आ रही है। तीन दोस्त होते हैं, धनाई, बाबुल और जॉन्टी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो नलिया के हाउस से उस बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू करेंगे, यानी कि बचाएंगे और उसकी मदर तक उसको पहुंचाएंगे। तो सीन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टोरी का, कि नलिया के घर के पास पहुंच के धनाई, बाबुल और जॉन्टी जो है वो आसपास का एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि कोई जाग तो नहीं रहा है। तो जो घर होता है नलिया का वो कंप्लीट डार्कनेस में होता है, मतलब कोई लाइट नहीं जलती, कोई जाग नहीं रहा होता। तो वो दूसरी साइड से कंपाउंड में एंटर करते हैं और जो बैम्बू फेंसिंग होती है वहां पे जाते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि वो जरा सा भी शोर ना करे, वरना जो नलिया है वो जाग जाएगा। और घर का चक्कर लगाने के बाद वो वहां जाते हैं जहाँ पे गाय बंधी होती है, शेड में जाते हैं और वहां पे अचानक जाके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि नलिया ने वहां पे एक गार्ड को बिठा रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा रखा था, क्योंकि उसको डर था कि उसका खजाना कोई चोरी ना करके ले जाए। और वो खजाना क्या था, वो खजाना था जो बेबी एलिफेंट उसने पकड़ा था, जिसको वो जू को बेचने वाला था या किसी और को बेचने वाला था। तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर देता है, लेकिन बॉयज देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम चुपके से उस बेबी एलिफेंट की रस्सी को काट कर उसको बचा के ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए वो जो तीनों बॉयज हैं वो गार्ड के पास से निकल के काउशेड के अंदर पहुंच जाते हैं और जॉन्टी अपनी टॉर्च जला लेता है और आसपास उस टॉर्च की रोशनी में दिखता है। तो लेफ्ट साइड जो होता है शेड में, वहां पे दो बैल होते हैं जो घास खा रहे होते हैं, लेकिन तीनों लड़कों के आने का जो बैल है वो कोई नोटिस नहीं लेते और वो अपना घास खाने में मशगूल रहते हैं, मगन रहते हैं, वो कुछ भी आवाज नहीं निकालते। और एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में जो बेबी एलिफेंट था उसको एक बैम्बू पोल से बांधा गया था, उसके हाथ और पैर दोनों बांधे गए थे और उसकी गर्दन में एक रस्सी डाल रखी थी जिससे वो कहीं भागे ना। अब जब टॉर्च की रोशनी जॉन्टी उसके फेस पे डालता है, बेबी एलिफेंट के फेस पे, तो वो देखता है कि जो बेबी एलिफेंट है वो चुपचाप चुपके चुपके रो रहा है, क्योंकि जो आंसू थे वो उसके गालों पे बह रहे थे। और ये देख के उन तीनों की मतलब चीख निकल जाते हैं, मतलब इतना दुख होता है कि वो चीखने से बस बाल बाल बचते हैं। और लेकिन बेबी एलिफेंट जो होता है वो भी उन तीनों बॉयज के आने का कोई नोटिस नहीं लेता, मतलब वो भी कोई आवाज नहीं निकालता। उसके बाद बॉयज जो है वो बिल्कुल टिपटो, यानी कि अपने पंजों के बल चलते हुए एलिफेंट काफ तक पहुंचते हैं और उसकी पीठ को सहलाते हैं। बाबुल अपनी शर्ट की जो स्लीव्स होती है उससे उसके आंसू पहुंचता है। अब जो काफ होता है, जो बेबी एलिफेंट होता है, वो समझ जाता है कि ये जो तीनों बॉयज हैं ये मुझे बचाने आए हैं। तो वो भी क्या करता है, एज एन अफेक्शन, अपने अफेक्शन दिखाने के लिए बाबुल को, जो उसके आंसू पहुंच रहा होता है, उसको अपनी सूंड होती है, ट्रंक होती है ना, उसमें ऐसे भींच लेता है, उसको हग करता है। अब जॉन्टी एक चाकू लाता है घर से अपने साथ, और साथ में धनाई के पास भी ऐसे सिमिलर ही चाकू होता है। तो वो वेस्ट से, जो बेल्ट होती है उसकी वेस्ट से चाकू निकालता है और धीरे धीरे
रस्सी को काटना शुरू कर देता है। धनाई भी अपना चाकू निकालता है और उस रस्सी को काटना शुरू कर देता है। उन दोनों ने ये प्लान बनाया होता है कि वो रस्सी को इस तरह से काटेंगे जिससे ये लगे कि बेबी एलिफेंट ने वो रस्सी चबा ली और वो खुलकर भाग गया। वो ये नहीं शो करना चाहते थे कि नलाई को ये लगे कि ये जो रस्सी है वो काटी गई है। वो ये प्रिटेंड करना चाहते थे कि जानवर वो खुद ही भाग गया है अपनी रस्सी को खुद ही चबाकर, अपनी रस्सी को खुद ही काटकर। तो तभी क्या होता है, वो देखते हैं कि जब वो रस्सी काट रहे हैं तो एलिफेंट काफ ने, जो काफ था उससे कोई भी विरोध नहीं किया, मतलब वो चुपचाप खड़ा था। जैसे वो समझ गया था कि वो तीनों बॉयज उसको बचाने आए हैं और जो जॉन्टी थे और जो धनाई था वो रस्सी काटने बिजी थे, जबकि बाबुल जो है उसकी पीठ को, उसकी बैक को स्ट्रोक कर रहा था, प्यार से थपथपा रहा था। तभी क्या होता है, जो दो बैल होते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, उनमें से जो एक बुल होता है, एक बैल जो होता है, वो पता नहीं उसे क्या होता है, अचानक से वो आसपास जो हो रहा होता है, वो लड़के जो रस्सी काट रहे होते हैं, सडनली उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। और तभी वो एक बहुत जोर की आवाज निकालता है, रंभाता है एकदम, और उसके दमाने से क्या होता है, जो गार्ड होता है वो उठ जाता है और एकदम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब जो काउ शेड था वो ऐसा था कि वहां पे छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, तो जो बॉयज होते हैं वो एकदम से दिख जाते हैं, टोटली एक्सपोज हो जाते हैं। तभी क्या होता है, जॉन्टी कहता है उनसे विस्पर में कि यही हमारा आखिरी चांस है और हमें किसी न किसी तरह जो बेबी एलिफेंट है उसको बचानी है, फटाफट से रस्सी तोड़ो, रस्सी काटो। काफी रस्सी कट चुकी होती है, थोड़ी सी बची होती है उसको भी वो काट देते हैं। तो तभी क्या होता है, जैसी रस्सी कटती है एक क्राय के साथ जो एलिफेंट होता है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह एकदम भाग निकलता है, आजाद होते ही वो भागना शुरू कर देता है। तो वो दरवाजे से जाके टकराता है और दरवाजे से जाके टकराता है तो वहीं गार्ड बैठा होता है, वो उस गार्ड में सीधा टक्कर मार देता है। अब गार्ड को समझ में नहीं आता कि उसको किस चीज ने टक्कर मारी है, क्योंकि वहां पे इतना अंधेरा था कि गार्ड को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस टक्कर लगने से एक तरफ गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको चोट नहीं लगती, लेकिन बाय गॉड ग्रेस चोट नहीं लगती, लेकिन वो एक सेकंड में खड़ा हो जाता है और जो बेबी एलिफेंट भाग रहा होता है उसके पीछे पीछे भागना लगता है। अब काफ जो था, जो एलिफेंट काफ था, उसको रास्ता तो नहीं पता था कि किधर जाना है, तो वो कभी गेट से टकराता है, कभी वो डोर से टकराता है, कभी वो हट से टकराता है, और कभी वो जो फेंसिंग होती है, दीवार होती है, उसे चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाने लगता है। अब जब लड़के देखते हैं, जो गार्ड है वो पूरी तरह से उनको भूल चुका है और उसे केवल इस टाइम एलिफेंट ही दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, बेबी एलिफेंट को वहीं छोड़ के पहले खुद को बचाते हैं। तीनों वो निकल जाते हैं और साइड में वहां छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि काफ जो है अब उस गार्ड के हाथ में नहीं आने वाला, जो काफ है वो तो भाग जाएगा। अब क्या होता है, कुछ देर तक जो गार्ड है वो उसका पीछा करता रहता है, कभी गार्ड एलिफेंट काफ के पीछे होता है, कभी एलिफेंट काफ जो है वो गार्ड के पीछे होता है, और वो चिल्ला रहा होता है, भागो भागो, जो एलिफेंट काफ है वो भाग रहा है, बचाओ बचाओ ऐसे करता है। तो उसका शोर सुन के जो झोपड़ी होती है, जहां कुछ समय पहले तक बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पे सडनली जो नलिया है वो जाग जाता है और वो लालटेन जलाता है और जो फ्रंट डोर है उसको खोल के बाहर आता है। नले के साथ दो लोग और होते हैं जो भी जो एलिफेंट काफ को पकड़ने के लिए लग जाते हैं, मतलब टोटल तीन चार लोग उस एलिफेंट काफ के पीछे होते हैं। तो गोल गोल वो एलिफेंट काफ भाग रहा होता है और गोल गोल ही वो जो आदमी है वो भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जो झोपड़ी की दीवार थी वो काफी कमजोर थी, सिर्फ बैम्बू और मड एंड स्ट्रॉ की बनी हुई थी, तो एलिफेंट काफ को नहीं पता था कि उसे किधर जाना है और उसे ये नहीं पता था उसमें कितनी ताकत है। तो क्या होता है, लास्ट में वो फटाफट जाता है जहां भी उसे रास्ता दिखाई देता है और वो हट में घुस जाता है। तो हट के एक दीवार से वो घुसता है और दूसरी दीवार से बाहर आ जाता है और फाइनली दूसरी दीवार तोड़ के आता है तो वो घर के बाहर होता है। तो नलिया क्या होता है, वो चिल्लाता है कि कुकी को लाओ, वो कहता है कुकी जो है वो ट्रेन एलिफेंट है, उसको लाओ, वही इस काफ को कंट्रोल कर पाएगा। तो उसके बाद वो तीनों जो बॉयज छुपे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, तो बाबुल कहते हैं कि हमें कुछ जल्दी से करना चाहिए, अगर वो कुकी को ले आए तो कुकी तो बहुत खतरनाक है और वो इस एलिफेंट काफ को पकड़ लेगा। तो धनाई कहता है कि मुझे एक ट्रिक आती है, हो सकता है वो काम कर जाए, तो रुको मुझे वो ट्रिक यूज करने दो। तो धनाई क्या करता है, अपने दोनों फिंगर्स को अपनी माउथ में रखता है और एक विसल बनाता है, सीटी बजाता है। ये सीटी बजाने की ट्रिक उसको उसके फादर ने सिखाई होती है। तभी क्या होता है, सीटी की जो आवाज थी उसका एक मैजिकल इफेक्ट होता है किस पे, एलिफेंट काफ पे, और वो क्या करता है, वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है जिस डायरेक्शन में बॉयज छिपे होते हैं। बॉयज को एलिफेंट काफ को अपनी तरफ ही लाना होता है, तो वो जैसे विसल बजाता है एलिफेंट काफ वो विसल पहचान जाता है, डायरेक्शन पहचान जाता है और उनकी तरफ आ जाता है। तो वो तीनों बॉयज क्या करते हैं, एलिफेंट काफ जब उनके पास आ जाता है उसको अफेक्शनेट लेकिन बहुत जल्दी वे में ले जाते हैं और उसको सेंचुरी, जो जंगल होता है जहां उसकी मदद हो सकती है,
उसकी तरफ ले जाते हैं। अब जो तीनों चारों आदमी थे वो भी उनके पीछे आ रहे होते हैं, तो जॉन्टी क्या करता है, वो उनके लिए एक ट्रैप तैयार करता है, मतलब वो कहता है कि तुम दोनों इसको लेके जाओ और इसको उसकी मदर से मिलाओ, मैं इतने एक ट्रैप तैयार कर देता हूँ। किसके लिए? जो आदमी आ रहे हैं उनके लिए। और वो ट्रैप क्या था, वो गड्ढे के ऊपर कुछ लीव्स लगा देता है। उसे उसे पता था कि वो जो आदमी है वो एकदम अंधेरे में आ रहे हैं और वो गड्ढा देख नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे कि यहाँ पे जमीन है, और जैसे वो लीव से पैर रखेंगे वो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वही होता है, जॉन्टी उनके लिए ट्रैप तैयार करता है, जबकि धनाई और बाबुल क्या करते हैं, एलिफेंट काफ को उसकी मदर से मिला देते हैं। अब जो मदर है वो भी अपनी बेबी को ढूंढ रही होती है, तो वो भी ट्रम्पेट कर रही होती है, आवाज निकाल रही होती है। इधर बेबी एलिफेंट अपनी माँ की ट्रम्पेट को पहचान जाता है और वो भी बदले में ट्रम्पेट करता है। तो दोनों ही दूसरे के पास पहचान जाते हैं और लास्ट में जो बेबी एलिफेंट है वो अपनी मदर से मिल जाता है। और बॉयज को भी बहुत खुशी होती है कि फाइनल उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने बेबी काफ को उसकी मदर से मिला दिया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं रीड एंड राइट सेक्शन में हमें क्या करना है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। सेकेंड, हूज गार्ड वॉज स्लीपिंग, किसका गार्ड सो रहा था, नलिया का गार्ड सो रहा था। थर्ड, हु वर चूइंग द हे, बुल्स वर चूइंग द हे। फोर्थ, हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन टोटल, थ्री बॉयज। फिफ्थ, वॉट डू वी कॉल द साउंड प्रोड्यूस बाय एन एलिफेंट, वी कॉल इट ट्रम्पेट। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, गार्ड वॉज एस्लीप, नलियाज गार्ड। Second, the three youngsters almost screamed aloud. Third, Dhanai too was armed with a similar knife. Fourth, the calf ran towards the gate, straight towards the grate. And fifth, get the Kunki the trained elephant. Kunki a trained elephant tha. देखते हैं, मैच द फ्रेजेस विद योर मीनिंग। अब यह फ्रेजेस गिवन है आपको लेफ्ट में, आपको उनको राइट साइड में उनके मीनिंग से मैच करना है। वार्म एंड लविंग, अफेक्शनेट। पुश्ड विद फोर्स, रैम्ड। मूव्ड क्वाइटली ऑन टोज, टिपटोड। एंड क्लाइम समथिंग हाई, स्केल्ड। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।